हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 16.1 कक्षा 10 की इसके क्वेश्चन क्रमांक 6 से आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्लास 10th और प्रश्नावली अपनी 16.1। आज हम करेंगे इसका छठा क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है फ्रेंड्स। इसमें दिया हुआ है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग। हम लंबाई को एल लिखते हैं, चौड़ाई को बी और ऊंचाई को एच लिखते हैं, और योग दिया अपने को 19 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इनका योग करते हैं तीनों का, तो 19 सेंटीमीटर आता है। अपने इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। अगला इसने दिया है तथा विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की जो लंबाई होती है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई होती है फ्रेंड्स रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये अपने को कितना दिया है, ये अपने को दिया है 11 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इसने पूछा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको शॉर्टकट करवा रहा हूं। तो इसमें अपने को क्या करना है, दोनों का वर्ग कर लेना है। तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो ये हो गया एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर, या हो जाएगा 19 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अपने एच को इसको थोड़ा गोल बनाएंगे ताकि ये एन नहीं दिखे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको छोटा बनाते हैं, एन दिखता है फिर अपने को। और 19 का स्क्वायर हो जाएगा 19 ना में 171 हासिल किया 17, 19 से कम 19 20 6 26 और 10 36 361। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर, इसको लिख देंगे हम 3। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, समीकरण 2 का भी वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, तो जब हम समीकरण नंबर 2 का वर्ग करेंगे तो समीकरण नंबर 2 है हमारा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जब इसका हम वर्ग करेंगे तो यहां 11 का भी वर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा, देखो रूट वाली संख्या का वर्ग जो होता है रूट हट जाता है, वो संख्या रह जाती है, यानी अपना आ जाएगा ये रूट हट जाएगा और यहां आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 11 11 121। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहले यहाँ पे लंबाई थोड़ा ऊंचाई का योग दिया था, तो हमने लिख दिया एल प्लस बी प्लस एच बराबर 19। फिर घनाभ के विकर्ण की लंबाई दी थी तो हमने सूत्र अप्लाई कर लिया, विकर्ण का सूत्र होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच प्लस एच स्क्वायर। तो जब हम इसको करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, विकर्ण की लंबाई 11 दे रखी थी। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमने समीकरण लिखे हैं इनका हम वर्ग करेंगे, पहले समीकरण का भी करेंगे और दूसरे समीकरण का भी करेंगे। तो ये आपके जो है सूत्र मैंने लिखा रखे हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। प्रश्नावली 16 से रिलेटेड मैंने घन घना बेलन शंकु गोला घन घना वाले जो है सूत्र लिखा रखे हैं, आपको समझा रखे हैं उसमें अच्छे से। तो आप उनको पहले बढ़िया सा याद कर लो, याद करने के बाद ये प्रश्न आप बिल्कुल ईजी लगेंगे, क्योंकि सूत्र अप्लाई करना होगा और हमें उत्तर निकालना होगा। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ तक अपना आ गया है, अब हम क्या करेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे। ये जो मान आया है हमारा, इस मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर बराबर 121 किस में रखूँगा, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 मेरा ये रहा, इसमें एल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एस एच स्क्वायर का मान मैं क्या रखूँगा 121, इनकी जगह मेरा आ जाएगा अब 121 प्लस क्या बच गया 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है बराबर क्या आ गया 361। अब मैं 121 का यहाँ पक्षांतरण करूँगा तो मेरा बचेगा 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361 माइनस 121 तो कितने बचेंगे 240, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके तो फ्रेंड्स अब हम अगला प्रश्न करें, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या करना है अपने को, सातवें प्रश्न में अपने को क्या करना है, देखो क्या दे रखा है, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में, यानी जो फर्श है वो वर्गाकार है, ठीक है कमरे की जो हाइट है वो अलग है बाकी लंबाई और चौड़ाई क्या है सेम है, तो वर्गाकार फर्श है मतलब फर्श की लंबाई और फर्श की चौड़ाई दोनों क्या है समान है 6 मीटर है। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्गाकार फर्श वाले कमरे की लंबाई, देखो 6 मीटर वर्गाकार है, 6 मीटर का जो है भुजा वाला ये वर्गाकार कमरा है तो कमरे की लंबाई भी 6 हो जाएगी और चौड़ाई भी 6 हो जाएगी क्योंकि इसने ऊंचाई पूछी है इसलिए ऊंचाई अलग आएगी अब अपनी, तो लंबाई लिखेंगे अपने 6 मीटर। इसी तरह वर्गाकार फर्श वाले कमरे की चौड़ाई, देखो फर्श की जो भुजा दे रखी है, फर्श जो है वर्गाकार है तो भुजा दे रखी है अपने को 6 मीटर, तो फर्श की लंबाई भी 6 और चौड़ाई भी 6 हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना फर्श जो है वो वर्गाकार है यानी उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होंगी सेम होगी। अब वर्गाकार फर्श वाले कमरे की ऊंचाई बराबर ये अपने को ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, इस कमरे में 180 घनमीटर हवा है यानी हवा का आयतन, यानी इस जो कमरा जो है इस कमरे का अपने को आयतन दे रखा है, कमरे में 180 घनमीटर। अब मेरे को कैसे पता चला, तो हवा जो है वो पूरे कमरे में भरी जाती है ऐसे लगाई नहीं जाती दीवारों पर, तो पूरे कमरे में हवा भरी हुई है, तो जब कोई चीज़ किसी वस्तु में किसी बर्तन में भरी जाती है इसका मतलब उस बर्तन का आयतन हो गया वो, ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा हवा का आयतन कितना दिया 180 मीटर क्यूब, तो हवा का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्योंकि घनाभाकार कमरा हो गया, ठीक है सिर्फ इसका फर्श वर्गाकार है यहाँ आ जाएगा 180, लंबाई हमें दे रखी है 6, चौड़ाई दे रखी है 6, ऊंचाई हमें नहीं दे रखी है तो हम लिखेंगे ऊंचाई बराबर 180, ये 6 इधर जाएंगे तो ऊंचाई रह जाएगी अपनी 180 बट्टा 6 गुणा 6, ये इधर जाएंगे तो बट्टे में चले जाएंगे गुणा में, तो 36 18 30, 6 कम 6 6 पंजे 30, तो कितना आ गया 5 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका सातवें प्रश्न का। आप इसको नोट कर लो फ्रेंड्स। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपने इसका अगला प्रश्न करते हैं, देखो अगला है 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में क्या दिया, 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी 10 सेमी और 17 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी।
आठ ऑपरेशन है, दीवार की लंबाई कितनी है 44 मीटर। अब देखो क्योंकि ईंट लगानी है अपने को, तो यहाँ ईंट के माप में भी अपने को इसमें क्या करना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा, और फिर ईंट वाला जो है इसमें दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का अपने को भाग देना पड़ेगा। ईंट जो होती है वो मीटर में नहीं होती, सेंटीमीटर में होती है, तो इसको भी क्या करेंगे हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। 44 मीटर यानी 44 × 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यह जाएगा 4400 सेंटीमीटर। ठीक है, दीवार की लंबाई आ गई, अब दीवार की चौड़ाई, सॉरी दीवार की ऊंचाई दे रखी अपने को, दीवार की ऊंचाई और ये कितनी दे रखी है, दीवार की ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1.5 × 100 सेंटीमीटर, अब गुणा करते हैं पॉइंट कितने जीरो अपने अंक तक खिसकेगा, तो यहाँ 2 जीरो है पॉइंट, एक बार यहाँ आएगा 15, फिर एक बार और आगे ले जाना, जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, वरना आप गुणा करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर दीवार की चौड़ाई, दीवार की चौड़ाई कितनी देर की है अपने को, 85 सेंटीमीटर, कितनी देर की है 85 सेंटीमीटर। ये तो हो गया दीवार का, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दीवार का आयतन निकाल लेंगे, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन क्या आएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि दीवार घनाभाकार होती है। अब यहाँ लंबाई कितनी है 4400 गुना चौड़ाई है 150 गुणा ऊंचाई 85। अब क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो पहले मैं इन दोनों का गुणा कर लेता हूँ, तो मेरे यहाँ कितने आएंगे, 2 जीरो के 2 जीरो और एक ही है, कितने हो गए 0, 3 जीरो, और ये गुणा में 85 है, इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, 3 जीरो हो गई। अब देखो 15 को 4 से गुणा किया, 15 × 60, 60 का 0 हासिल 6, फिर 15 × 60 और 6 66, ये आ गए मेरे, इनको गुणा करने पर वापस देख लो, ये 3 जीरो के 3 जीरो लिखे मैंने, और उसके बाद मैंने क्या किया 15 से गुणा किया 4 को, 15 × 60, 60 का 0 हासिल 6, 15 × 60 और 6 66, अब इतने आ गए ना, अब इसको भी गुणा करेंगे तो अपने वापस क्या आएंगे, 4 जीरो तो कन्फर्म आने ही आने हैं। अब रह गया 66 को 85 से गुणा कर लो, तो यहाँ लिखेंगे 66 और ये 85, 5 से गुणा करो, 5 × 30, 5 × 30 और 3 = 33, 5 × 30, 30 का 0 हासिल 3, 5 × 30 और 3 = 33, फिर ये आएंगे 8 × 48, ठीक है 48 का 8 हासिल 4, फिर 8 × 48 और 4 = 52, तो 0, 8, 3, 11, 3, 2, 5 और 1, 6, 5 का 5, तो कितने आ गए 56 10, ठीक है ये गुणा करने पर इन दोनों को, ये 4 जीरो तो हमारे पहले वाले गुणा वाले थे, तो ये हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब में दीवार का आयतन आ गया। अब यहाँ आएगा ईंट की लंबाई, यहाँ ईंट की अपने को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डायरेक्ट दी हुई है, ठीक है, तो लंबाई दे रखी 22 सेमी, और ईंट की चौड़ाई, चौड़ाई दे रखी है अपने को 10 सेमी, और ईंट की ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है अपने को 17 सेमी, तो ईंट भी घनाभाकार होती है, बस ये दीवार से छोटी होती है वो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अपने एक ईंट का, एक ईंट का आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आ गया। तो एक ईंट का आयतन निकालना, तो लंबाई 22 × 10 × 17, ठीक है। अब अपने इसको गुणा करेंगे तो 22 को 10 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे 220 आ जाएंगे। या आप ऐसे करो, ये जीरो तो यहाँ आ गया अपना, 10 से हो गया गुणा, 10 वाला जीरो लगा दिया, 17 को 22 से कर लो, 17 × 34 का 4 हासिल
तीन, 17 दूना 34, 35, 36, 37, ये कितने आ गए 3740 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया अपना। ठीक है, 17 दूना 34 का 4 हासिल 3, 17 दूना 34 और 3 37, तो ये अपना हो गया। अब अपने को क्या करना है, ईंटों की संख्या निकालनी है, इस दीवार में ये ईंटें कितनी लगेंगी, तो जो दीवार का आयतन है उसमें इस ईंट के आयतन का हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। अब यहाँ लिखेंगे हम ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बट्टा एक ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन हमारा है ये वाला 5,61,00,000, ये हमारा क्या है, दीवार का आयतन है, बट्टा 3740, ये एक ईंट का आयतन है। अब हम जीरो से जीरो कट करेंगे, उसके बाद 374 का इसमें बाद देना है, अपने संख्याएं काट भी सकते हैं, देखो किससे काट देंगे, दो से, पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें आप क्या करोगे, 374 का भाग दोगे, ठीक है, तो अपने क्या करते हैं और इसको आगे काटने का प्रयास करते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 + 2 = 2, फिर 2 × 8 = 16 और 2 × 7 = 14, तो यहाँ आ जाएंगे 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, ठीक है, इसमें जाएगा नहीं, जीरो लगाओ, ठीक है, और फिर कितने आ जाएंगे, 2 × 5 = 10, अब 3 जीरो के 3 जीरो, अब अपने इसमें 187 का भाग लगा देते हैं, दो सौ अस्सी और जीरो कितने हैं, 3, अब भाग लगाते हैं फ्रेंड्स, देखो 187 का अपने पहाड़ा बना लो यहाँ पे, ठीक है, एक बार में तो यही आएंगे, दो बार में 2 × 7 = 14, 1 + 2 = 16 और 1 = 17, 1 + 2 = 2 = 3, 374 है, ज़्यादा हो जाएंगे तो एक बार में जाएगा कितने आएंगे, 187, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ 7 बचे क्योंकि एक इसको हासिल दिया था, एक इसको हासिल देंगे 17, 17 में से 8 गए 9, अब ये नया अंक आ जाएगा 5, 935, तो और गुणा करते हैं, देखो 3 से 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 25 = 26, 3 × 3 = 2 = 5, फिर यहाँ करेंगे 4 से 4 × 7 = 28, फिर 4 × 8 = 32, 32 × 2 = 34, 3 × 4 = 4 × 3 = 7, और इसको 5 से करेंगे, 5 × 7 = 35, ठीक है, 3 बच गए, 5 × 8 = 40 और 3 × 43 का 3 हासिल, 4 × 5 = 5 और 4 = 9, तो कितनी बार में गया, 5 बार में कितने आ जाएंगे, 935, अब ये जीरो कितने बचे, 3, ये वाले जीरो यहाँ लग जाएंगे, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, 15,000 ईंटें, ये आ गया इसका, ये लॉन्ग कट है जैसे कि आमतौर पर बताया जाता है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसका आपको शॉर्टकट बताऊँगा, हमारे ये आंसर आ चुके हैं, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल आ चुके हैं फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट आप कंप्लीट ले सकते हो। ओके, अब इसका शॉर्टकट करते हैं फ्रेंड्स, अब शॉर्टकट में क्या होगा, देखो मैं इनको मिटाऊंगा, एक बार ये भी मिटा दूंगा, तो दीवार का मेजरमेंट आ गया अपने पास, दीवार कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी और कितनी ऊंची है,
अब हम क्या करेंगे, इसी के साथ यहां लिखेंगे एक ईंट की लंबाई, एक ईंट की लंबाई दे रखी 22 सेंटीमीटर, एक ईंट की चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और एक ईंट की ऊंचाई दे रखी है 17 सेंटीमीटर। अब यहां में ईंटों की संख्या ज्ञात करनी, तो मैं डायरेक्ट यहां लिख दूंगा ईंटों की संख्या, क्या लिखूंगा, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बट्टा एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन कितना है, तो दीवार लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो यहाँ आ जाएगा 4400 गुणा 150 गुणा 85। इसमें थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ है दीवार की लंबाई फिर ऊंचाई दे दी चौड़ाई की जगह, कोई बात नहीं अपने इस सीक्वेंस से भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ आ जाएगा 22 गुणा 10 गुणा 17, ये देखो जीरो से जीरो कट गया, 22 से कम 22, 22 गुना 44, 2 जीरो के 2 जीरो, 17 एकम 17, 17 पंजे 85। ठीक है, अब देखो 5 गुनी 10 ये 1000 हो गए, 1000 को 15 से गुना करेंगे तो आ जाएंगे 15000 ईंटें। अब अपनी कितनी एनर्जी बच गई इस पैटर्न से, हमने इसको सॉल्व किया तो ये चीज़ है। आपको बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन सभी को आते हैं, ठीक है ना, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना 80-85 तक भी जो लाते हैं तो उनको भी प्रश्न करने आते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं बचता है। तो अपने को क्या करना है, जो मैं आपको शॉर्टकट पैटर्न बताता हूँ ना उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं उनके मैं शॉर्टकट बताता रहता हूँ आपको साथ साथ में, तो आप इनका फ़ायदा उठाना वहाँ पर। एक तो आपका एग्ज़ाम में टाइम बचेगा, प्लस में आपकी कॉपी में स्पेस बचेगा आपके पास। इस पैटर्न से करोगे तब भी आपको उतने ही नंबर मिलने हैं जितने आप उस लंबे पैटर्न से करोगे तो मिलेंगे, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये विशेषता है बस, ठीक है। कि मैं क्या करता हूँ आपको साथ साथ में शॉर्टकट बताता रहता हूँ, तो जो बच्चे शॉर्टकट का ध्यान रखते हैं तो उनको एक तो टाइम बच जाता है, जैसे मान लो आपके 3.25 घंटे का अगर आपको टाइम मिल रहा है या 3 घंटे का मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो उस पेपर को जो है 2 घंटा 45 मिनट में फ्री कर सकते हो, उसके बाद 15 मिनट आपके पास बचते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो आप तौर पर गलती करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं यहाँ लिख देते हैं उत्तर, उत्तर यहाँ नहीं होता फ्रेंड्स, यहाँ से तो हल करते हैं। गणित में कभी भी शुरू में उत्तर नहीं होता, उत्तर लास्ट में जा करके आता है आंसर, यहाँ आपको सॉल्यूशन ही लिखना है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तीसरी गलती और करते हैं बच्चे मैथ में, क्या होता है पेपर जो होता है ना, जो पहला क्वेश्चन आपको अच्छा आ रहा है, मान लो आपका 30वां प्रश्न जो है माध्य माध्यिका बहुलक, तो वो आपको अच्छे से आ रहा है, तो आप क्या करो स्टार्ट में 30वें क्वेश्चन से शुरू कर लो। आप यूँ नहीं, आप क्या कर रहे हो, पहले पहला प्रश्न कर रहे हो, फिर दूसरा कर रहे हो, फिर तीसरा कर रहे हो, ऐसे करके मान लो आपको 5-7 प्रश्न ऐसे थे शुरू के जो आपको अच्छे से नहीं आते थे और आपने उन्हीं को अटेंड किया, तो एग्जामिनर की आदत क्या पड़ गई, सभी प्रश्नों को कट करने की पड़ गई, तो वहाँ फिर आपको क्या करेगा, वो मार्किंग जो है बहुत टाइट रखेगा और आपको कम नंबर मिलेंगे। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती करते हो, आप उसको सुधारना, जो आपको अच्छे से आता है। मैं आमतौर पर बच्चों को कहता हूँ कि आप क्या करो उल्टा पेपर शुरू कर लो आप, क्योंकि 30वां प्रश्न जो होता है वो सभी बच्चों को आता ही आता है, चाहे कमजोर से कमजोर भी होगा तो उसको मैं माध्यमिक का बहुलक के प्रश्नों को अच्छे से तैयारी करवाता हूँ, तो वो प्रश्न बड़े आसानी से तैयार कर सकते हो आप, उसके नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद अपने को करना होता है 26वां प्रश्न जो कि ग्राफ का होता है, ठीक है, तो ग्राफ का हो जाएगा। उसके बाद अपने 22वां या 23वें नंबर पर एक प्रश्न आता है चित्र बनाने वाला, तो 6+6+3 मैं टारगेट बना के देता हूँ बेटा, आप क्या कर सकते हो 6 नंबर आपके ग्राफ में आ जाएंगे, 6 नंबर माध्यमिक बहुलक में आ गए, कितने हो गए 12, और 3 नंबर के आपके जो चित्र होते हैं वो अगर आप तैयार कर लोगे, तो कमजोर से कमजोर भी बच्चा होता है तो क्या होता है आसानी से पास हो जाता है। आपको मैं जिस जैसे आपको बताऊं वैसे मुझको फॉलो करना है, मेरी बातों को जो है आपको ध्यान देना है, तो आपके आराम से नंबर आएंगे। और जो बच्चे होशियार होंगे उनके लिए क्या है, मैं ऐसे शॉर्टकट पैटर्न बताता रहता हूँ, तो उनको वो लॉन्ग कट वाले जो पैटर्न है उनको छोड़ देना है,
आप शॉर्टकट वाले अप्लाई करना हर जगह, कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे, आप किसी से भी उसको चेक करवा सकते हैं सर अगर हमने इस पैटर्न से किया तो क्या हमारे नंबर कटेंगे, क्या बिल्कुल नहीं कटेंगे आपके। आप आराम से शॉर्टकट पैटर्न से करना, समय और कॉपी दोनों की बचत होगी। आपके पास समय बचा होगा 10-15 मिनट या 20 मिनट का लास्ट में, तो आपके कहीं छोटे मोटे कहीं एरर रह गए होंगे, कोई प्रश्न क्रमांक मान लो आपने किया 18वां और लगा दिया क्या 8, तो आपके अब इस प्रश्न के नंबर मिलेंगे नहीं, तो इस तरह की छोटी छोटी भी गलतियाँ रह जाती है, तो आप उसको भी सुधार कर सकते हो। 80 और 100 के बीच में सिर्फ यही डिफरेंस है, 80 नंबर उन बच्चों के आते हैं जो प्रश्न करने तो आते हैं उनको, कोई एक आधा प्रश्न ऐसा होता है जिसमें उनको प्रॉब्लम होती है, बाकी उनको सभी आते हैं लेकिन फिर भी उनके छूट जाते हैं। तो हमें प्रश्न छोड़ने नहीं है ज्ञान में, सभी प्रश्नों को अटेंड करना है और एक निश्चित सीक्वेंस से अटेंड करना है। यूँ नहीं हम पहले प्रश्न से लेकर के बैठ गए जबकि हमें पहले से लेकर के 5वें प्रश्न तक आते ही नहीं थे, वो एक एक नंबर के प्रश्न थे, तो उनकी वजह से हमारी इमेज क्या बन गई, हमारी इमेज ये बन गई कि साहब ये बच्चा जो है नालायक है, इसको कुछ आता नहीं है, ठीक है। और आगे जैसे जैसे वो चेक करेगा तो वैसे वैसे वो कहीं ना कहीं आपके आधा नंबर 1/4, 1.5, 3/4 ऐसे कट करके चलेगा वो, तो आपकी क्या होगा इससे परसेंटेज डाउन हो जाएगी। तो आपको क्या करना है एग्जामिनर पर जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका होता है, क्योंकि वह आपको नहीं जानता है आप कौन हो क्या हो, ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो पहले 5 प्रश्न होते हैं, अगर उनको आपने अच्छे से किया है तो आपकी उसके सामने छवि बनेगी कि ये बच्चा जो है होशियार है, इसको पेपर करना आता है, कहाँ से शुरू करना है ये इसको पता है। तो आपसे इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, शॉर्टकट पैटर्न को अच्छे से तैयार करना। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 6, 7 और 8 कक्षा 10 की प्रश्नावली 16.1 का। फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो अगर अच्छे लगे तो उनको लाइक किया करो, इससे हमें जो है प्रोत्साहन मिलता है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।